Assalamualaikum students, I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. So 5 class, I'm your science teacher Saman. And as you know that we have started our unit number 4, seed structure and germination in our previous lecture. So today our topic of discussion is endosperm and a bean seed. So let's start from endosperm. इट इज़ अ फूड स्टोर सराउंडिंग द एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो के इर्द गिर्द खाने को महफूज रखता है. दिस स्टोर फूड एंड हेल्प द बेबी प्लांट टू ग्रो. ये खाने को महफूज रखता है और बेबी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है. यानी जो प्लांट होता है, जो छोटा प्लांट होता है, उसको बढ़ने में उभरने में एंडोस्पर्म जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि उसके पास खाना महफूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखें स्टूडेंट पिक्चर में एंडोस्पर्म. ये एंडोस्पर्म है जिसको डिफाइन किया गया है. द एंडोस्पर्म इज द टिश्यू दैट सराउंडिंग द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड इट विद न्यूट्रिशन. ये एक टिश्यू है जो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मौजूद होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है. ठीक है, उसके बाद ये है कोटिलेडन. द कोटिलेडन इज अ सीड लीफ दैट इमर्ज विद द सीड व्हेन इट जर्मिनेट. कोटिलेडन एक सीड लीफ होता है जो कि बढ़ता है, उभरता है बीज के साथ साथ जब वो जर्मिनेट होता है. नेक्स्ट है एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो इज़ वेयर लाइफ स्टार्ट विद इन द सीड. एम्ब्रियो वो जगह है जहाँ पर बीज के अंदर ज़िंदगी शुरू होती है, बढ़ना शुरू होता है जब बीज. उसके बाद है सीड कॉट. ये जो ऊपर वाली है ये क्या है, सीड कॉट. द सीड कोट प्रोटेक्ट द एवरीथिंग इनसाइड द सीड. सीड कोट जो है वो तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, जो भी सीड के बीज के अंदर जो कुछ भी होता है उसको प्रोटेक्ट करता है सीड कोट. सो डैट इट हैज़ अ गुड चांस ऑफ जर्मिनेटिंग. तो उनके पास एक अच्छा मौका होता है कि वो जर्मिनेट कर सकें. द सीड कोट इज़ आल्सो कॉल्ड टेस्टा. सीड कोट को टेस्टा भी कहा जाता है. सम सीड हैव थिन सीड. कुछ सीड जो होते हैं वो उनके सीड जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, बारीक होते हैं. सीड कोट जो होती है उनकी बारीक होती है. वाइल अदर हैव हार्ड वन. और कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनकी सीड कोट वो हार्ड होती है, सख्त होती है. फ्रूट प्लांट्स ऑफन हैव वेरी हार्ड सीड कोट. फ्रूट्स की और प्लांट की सीड कोट जो होती है वो हार्ड होती है. ठीक है, नेक्स्ट है अ बीन सीड. दिस बीन सीड इज शेप लाइक किडनी. बीन सीड जो होता है वो किडनी की, आपकी किडनी जो होती है ना, उस शेप की तरह का होता है. इट हैज़ अ थिन बट टफ टेस्टा. इसका थिन बारीक लेकिन टफ टेस्टा होता है, विच इज़ कलर, जो रंगीन होता है. अ बीन सीड इज कॉल्ड आर डाइकोटिलेडन्स. बीन सीड को डाइकोटिलेडन्स कहा जाता है. बिकॉज इट हैज़ टू कॉटिलेडन. क्योंकि इसके पास टू कॉटिलेडन होते हैं. डाइकोटिलेडन किसको कहते हैं, जिसके पास टू कॉटिलेडन्स होते हैं. विच स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो. जो एम्ब्रियो के लिए फूड को स्टोर करता है. अंटिल इट ग्रो लार्ज इनफ टू मेक इट्स ओन फूड. जब तक वो खुद खुराक बनाने के काबिल नहीं हो जाता तब तक उसमें एम्ब्रियो को वो खुराक देता है. ठीक है, नेक्स्ट है द एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. एम्ब्रियो टू पार्ट्स से मिलकर बनता है. द रेडिकल और द फर्स्ट रूट. रेडिकल जो एक पहली जड़ होती है, रूट मतलब जड़ हो. एंड प्लूमल और द फर्स्ट शूट. प्लूमल जो है वो क्या है, फर्स्ट शूट होती है. ठीक है, नेक्स्ट है ये देखें सीड कोट क्या है. ये देखिए ये है सीड कोट. सीड के बाहर वाला हिस्सा, आउटर कवरिंग जो है वो सीड कोट है. एम्ब्रियो, ये देखें एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है. उसके बाद ये टू कॉटिलेडन्स हैं, टू कॉटिलेडन्स. ठीक है, तो ये सीड कोट, सीड बीन की पिक्चर है जिसको डिफाइन किया गया है कि सीड कोट कहाँ पे है, एम्ब्रियो कहाँ पे होता है और कॉटिलेडन्स कहाँ पे होते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि एंडोस्पर्म क्या होता है. उसके बाद हमने डिस्कस किया एंडोस्पर्म के बारे में, कॉटिलेडन, एम्ब्रियो एंड सीड कोट. उसके बाद हमने पढ़ा अ बीन सीड. बीन सीड क्या होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, कलर्ड होता है, थिन होता है, टफ होता है, और डाइकोटिलेडन्स होता है क्योंकि उसमें टू कॉटिलेडन्स होते हैं, और वो क्या करता है, एम्ब्रियो के लिए फूड को स्टोर करता है. ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो के टू पार्ट्स होते हैं, रेडिकल एंड प्लूमल. तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.
सुनूंगा, मैं पढ़ूंगा, मुझे